हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत इसाल का पैटर्न लेकर के आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत इसाल बनकर के तैयार होती है। इसे बनाना ही बहुत आसान है। इसमें लेस बना बना करके उसको बाद में जोड़ा जाता है, तो आप आसानी से इसाल को बना के तैयार कर सकती हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको पूरी साल बनाने में लगभग 550 से 600 ग्राम तक की ऊन लग जाएगी। इसे आप मल्टी कलर में बना सकते हैं और एक कलर में भी बना सकती हैं। देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रोशे पे गांठ लगा लेंगे। और यहाँ पे हम 6 चेन बनाएंगे। उसके बाद फर्स्ट चेन में डालेंगे क्रोशिया को बिना लूप लिए और एक बार में दोनों फंदों को निकाल लेंगे। तो हमारा छोटा सर्कल बनकर तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और फिर इसके अंदर हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया निकालनी है। तो डबल क्रोशिया निकालने के लिए क्रोशिया पर हम लूप लेते हैं, फिर हम सर्कल के अंदर डालेंगे क्रोशिया को, फिर लूप लेके बाहर आएंगे। 3 फंदे हो जाएंगे क्रोशिया पे, 2 फंदे फिर हम एक बार में निकालेंगे, फिर 2 फंदे एक बार में निकालेंगे। तो हमारी डबल क्रोशिया कहलाती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे टोटल 3 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया निकालनी है। तो देखिए, हमने यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लिए है 3 चेन बनाने के बाद। जो हमने 3 चेन बनाई है उसको हम नहीं जोड़ेंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल 3 चेन को जोड़ेंगे तो 13 डबल क्रोशिया हो जाएगी। अब हम यहाँ पे फिर हम 3 चेन लेकर के टर्न हो जाएंगे, तो हम 1 चेन और एक्स्ट्रा लेंगे। 3 चेन डबल क्रोशिया के लिए हो जाएगी, 1 चेन हम हर बार लेंगे स्किप करने के लिए। तो 1 चेन हमने ले ली है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चेन में डाल करके 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये हमें टोटल 12 बार हमें बनाना है। तो जो हमने 3 चेन ली है उसको भी हम काउंट करेंगे, तो हमारी टोटल इस तरह की 12 डबल क्रोशिया हम इसमें बन जाएगी। तो हर बार हमें 1 चेन लेना है, फिर नेक्स्ट चेन में डाल के 1 डबल क्रोशिया बनानी है। बहुत ही आसान ये पैटर्न है और ये पैटर्न डिजाइन थोड़ी बड़ी बनती है, तो बहुत ही जल्दी सॉल्व बनकर के आपकी तैयार हो जाएगी आसानी से। चेन लेकर के फिर नेक्स्ट चेन में डालना है, फिर हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। लास्ट में भी जो हमने यहाँ की जो 3 चेन दिख रही है, तो उसकी फर्स्ट चेन में डाल करके हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हम इसको गिनेंगे तो टोटल हमारे यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया होगी। स्टार्टिंग में जब हमने 3 4 चेन बनाई थी, 3 चेन फिर 1 चेन और बनाया था, उसके बाद नीचे हमने उसी सेम फर्स्ट वाली चेन में ना बना के सेकेंड वाली चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है। अब फिर हम 3 चेन लेकर के टर्न हो जाएंगे, इसी फर्स्ट वाले गैप में ही हम डाल के फिर एक और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। गैप में डालेंगे यहाँ पे क्रोशिया को, यहीं पे हमें एक और 1 डबल क्रोशिया में बनाना है। इसके बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे और ये जो गैप दिख रही है, अब इसके अंदर से हमें यहाँ पे जो गैप दिख रही है 1 डबल क्रोशिया जो हमने बनाया है, इसी गैप के अंदर हमें यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाइए या 10 या 7, जितनी आपको चौड़ी लेंथ चाहिए ऊपर के डिजाइन की, उसी हिसाब से आप इस गैप में 1 डबल क्रोशिया निकाल सकती हैं। मैं यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। आप अपनी अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको डिजाइन की कितनी
चौड़ी डिजाइन बनानी है उसी हिसाब से आप इसमें डबल क्रोशिया इस गैप में निकाल लीजिए। यहाँ पे तीन चेन को मिला के यहाँ पे हमने टोटल 7 डबल क्रोशिया बना ली है। अब हम नेक्स्ट चेन में डाल करके इसको सिंगल क्रोशिया से क्लोज करेंगे इस तरह से। अब यहीं पे फिर हम तीन चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, जो नेक्स्ट गैप है उसमें डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर ये जो हमारी गैप दिख रही है ऊपर, इसमें हम फिर तीन चेन बना के इस गैप में हम फिर हम 6 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तीन चेन को मिला के हमारी 7 डबल क्रोशिया हो जाएगी। दो डबल क्रोशिया, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर नेक्स्ट गैप में डालेंगे क्रोशिया को बिना लूप लिए और सिंगल क्रोशिया से इसको हम क्लोज करेंगे। इस तरह से बन करके आएगा। तो ये जो डिजाइन बन रही है ऊपर, इसकी चौड़ाई आप अपने अनुसार रख सकती हैं। यहाँ पे आप 7 डबल क्रोशिया बनाइए, 10 या 12, जितनी चौड़ाई आप रखनी चाहती ऊपर की डिजाइन की, उस हिसाब से गैप में डबल क्रोशिया बनानी है। फिर हम नेक्स्ट चेन में डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके फिर हमें 3 चेन बनाना है और फिर इस गैप में डाल के ऊपर वाली गैप में डाल के हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। इसी तरह से जो बाकी गैप है हम समय इसी तरह से हम बना लेंगे। तो टोटल हमारी इस तरह की 5 डिजाइन बन करके आएगी। ऊपर लास्ट की हमारी एक गैप बच जाएगी, उसमें हमें चेन बनाना है। ये देखिए मैंने बना के तैयार कर लिया है, इस तरह से आएगा। देखिए टोटल ये 5 डिजाइन बनेगी। तो हमारा ये एक नीचे की डिजाइन बन करके कम्प्लीट तैयार हो गई है। अब हम इसी तरह की दूसरी डिजाइन बनाएंगे इधर साइड में। सेम यही पैटर्न हमें फॉलो करना है, जैसे हमने नीचे 6 चेन से स्टार्टिंग की थी, वैसे अब यहाँ पर हमारे लास्ट में एक गैप बचा हुआ है यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ने के बाद। अब यहाँ जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया जोड़ी है, यहाँ पर हम 6 चेन बनाएंगे और इसको नेक्स्ट वाली गैप में हम डाल करके जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। तो हमने 6 चेन बना के यहाँ जोड़ दिया। तो जैसे हमने नीचे स्टार्ट किया था सर्कल को, उसी तरह से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बना के यहाँ पे हम टर्न हो जाएंगे। अब इस सर्कल के अंदर हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे हम टोटल 12 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे और उसके बाद फिर हम 4 चेन लेकर के टर्न होंगे और फर्स्ट वाली चेन को हम छोड़ के सेकेंड वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम सेकेंड वाली रो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट रो में फिर हमें ये ऊपर वाली पैटर्न बनाना है। तो इसी तरह से बनता चला जाएगा, एक के ऊपर एक पैटर्न हमारा और डिजाइन हमारी लेस हमारी कंप्लीट होती चली जाएगी। तो जितनी लंबी आपको साल बनानी हो उस हिसाब से आप लेस को उतनी लंबाई का बुन लीजिए और जितनी चौड़ाई का बनाना हो उतनी चौड़ाई के आप उतनी लेस आप गिन करके बना लीजिए। और नीचे लास्ट में बनाने के बाद नीचे उसको चेन से जोड़ करके और उसमें वहाँ पे लटकन लगा दीजिए। बहुत ही खूबसूरत साल बन करके तैयार होगी फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया था 12 डबल क्रोशिया। अब 4 चेन बना के हम टर्न हो रहे हैं। अब फर्स्ट वाली जो चेन है इसमें हम नहीं बनाएंगे, सेकंड वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे। फिर ये रो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे टोटल हमारी 12 डबल क्रोशिया बनेगी। ये हम काउंट करेंगे तो फिर हम 3 चेन बना के टर्न होंगे। फिर इसी गैप में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम उसी गैप में, फर्स्ट वाली गैप में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है।
और उसके बाद फिर तीन चैन लेंगे और जो ऊपर ये गैप बनी है इस गैप में हमें टोटल 7 6 डबल क्रोशिया निकाल लेनी है। चेन को मिला करके हमारी टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएगी। फिर उसको नेक्स्ट वाली जो गैप है उसमें डाल के इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, फिर वहाँ पे फिर हम तीन चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर जो ऊपर हमारी गैप बन के तैयार होगी उसमें हम 6 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो टोटल हमारे यहाँ 5 चेन बन के तैयार होगी। फिर इस साइड में लास्ट में जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर फिर हम 6 चेन बना करके नेक्स्ट पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम इसको बनाते जाना है, कंप्लीट करते जाएंगे और हमारी लेस पूरी बन करके तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमने यहाँ पे टोटल 5 पैटर्न हमने यहाँ पे तैयार किया है। देखिए एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में, फिर एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, इस तरह से हमारा ये बन करके आएगा। तो जितनी लंबी हमें लेस बनानी है उतनी लंबी हम बना लेंगे। इसको इस तरह से रखना है, एक हमारा जो ये 5 पैटर्न है उसका एक जो है वो अंदर की साइड में यहाँ पे रहेगा। तीन तीन हमें जोड़ना है दूसरी लेस से हमें इसको। तो स्टार्टिंग की हम 3 जोड़ेंगे और जो लास्ट की हमारी 2 रहेगी, तो एक हमारा अंदर साइड में रहेगा और एक को हम दूसरे पैटर्न के फर्स्ट वाले से हम जोड़ेंगे। जो हम जोड़ेंगे दोनों लेस को, इसे हमें किस तरह से जोड़ना है, तो जो हमारी फर्स्ट वाली लेस होगी उसकी डिजाइन हमारी राइट साइड में रहेगी और जो सेकंड वाली लेस होगी उसकी डिजाइन हमारी लेफ्ट साइड में रहेगी। इस तरह से हम रखेंगे, देखिए जैसे हमने रखा है इस तरह से रख के तब इसको हम चेन की सहायता से हम दूसरे को हम जोड़ देंगे। जो फर्स्ट वाली लेस बनाई है उसमें हमने 5 डिजाइन बनाई है, सेकेंड वाली लेस में मैंने 4 ही डिजाइन बनाई है। जब ऊपर की भी 5 बना लेंगे तो इसके पास में आ जाएगी और उसको हम आसानी से जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए देखिए फर्स्ट वाली जो लेस की हमारी ये डिजाइन है उसकी फर्स्ट वाला जो हमारे डबल क्रोशिया बनाया चेन बनाया है उसमें हम डाल करके यहाँ पे हम ऊन को हम जोड़ेंगे। और यहाँ पे हम 6-8 चेन बना लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कितनी लंबाई चेन की बनाने पर ये दूसरे से जोड़ने में आसानी रहेगी। तो जो यहाँ स्टार्टिंग की जो ये 3 है इसको हम दूसरी वाली जो लेस की उसकी स्टार्टिंग की 3 डिजाइन से हम जोड़ना है हमें चेन से। इसकी फर्स्ट वाली जो डिजाइन हमने जोड़ा है और दूसरी सेकेंड वाली लेस की फर्स्ट डिजाइन से हम इसको चेन की सहायता से जोड़ेंगे। चेन बनाने के बाद अब इसके भी जो हमारी फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है साइड में उसमें डाल करके हम इसको सिंगल क्रोशिया से इस चेन को हम जोड़ देंगे यहाँ पे। फिर हम 6 चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाली जो लेस है उसकी सेकेंड वाली डिजाइन में इस चेन को हम जोड़ देंगे। फर्स्ट जो हम डबल क्रोशिया बनी है डिजाइन में उसमें हम इसको डाल के जोड़ेंगे। चेन आपको कितनी रखनी है आप नाप करके देख लीजिए, कितनी दूरी की चेन बनाने पर हम दूसरी लेस से इसको जोड़ सकते हैं उस हिसाब से आप 6-8 जितनी चेन की रिक्वायरमेंट हो उतनी चेन आप बना लीजिए। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जोड़ने के बाद फिर हम यहाँ पे 6 चेन बनाएंगे और इसको इधर सेकेंड वाली लेस के
सेकंड वाली जो डिजाइन है उसमें हम जोड़ेंगे। तो जिग जैग के डिजाइन की तरह ये जुड़ता चला जाएगा। वहां पर हम इसको सिंगल क्रोशिया से हम इसको जोड़ देंगे। फिर हम यहाँ पे छह चेन बना लेंगे। इसको हम यहाँ पे जो हमारी ये तीसरी डिजाइन है स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकेंड हम जोड़ चुके हैं, अब तीसरी वाली डिजाइन में हम इसको जोड़ेंगे। छोड़ने के बाद फिर हम छह चेन बनाएंगे और इसको इधर जो हमारी दूसरी वाली डिजाइन है उसकी तीसरी जो डिजाइन दिख रही है उसमें हम इसको जोड़ेंगे। सिंगल क्रोशिया से इसको यहाँ पर भी जोड़ेंगे। तो तीन इधर की जुड़ गई हमारी और तीन इधर की जुड़ गई, तो हर पैटर्न में तीन तीन ही जोड़ना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर चेन बना के आएंगे, छह चेन। और इधर जो हमारी ये चौथी वाली डिजाइन है इसको और जो दूसरे पैटर्न की ऊपर वाले पैटर्न की जो फर्स्ट वाली डिजाइन है उन दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे। आप चाहें तो जब आप डिजाइन बनाते समय भी इसको आप एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं दोनों डिजाइन को, ताकि बाद में यहाँ पे ना ज्वाइन करना पड़े। नहीं तो आप यहाँ पर भी आप छह चेन बनाने के बाद इन दोनों डिजाइन को भी एक साथ लेकर के क्रोशिया में इस तरह से दोनों डिजाइन को जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरह से फंसाएंगे किनारे और उनको निकाल के लाएंगे और सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे जोड़ देंगे। तब देखिए फिर यह दूसरे डिजाइन के फर्स्ट वाले डिजाइन आ गए यहाँ पे। अब इसको हम इधर दूसरे साइड की जो डिजाइन है उसके फर्स्ट वाले वाले हम डिजाइन से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर भी हम जो दोनों ये साइड में हैं इसको हम ला करके इधर हम जोड़ देंगे, इसकी चौथी वाली डिजाइन को और दूसरी डिजाइन की फर्स्ट वाली डिजाइन को दोनों को हम एक साथ इधर जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद फिर हम छह चेन बना करके जो हमारी दो डिजाइन और बचेगी उसको हम इसी तरह से हम जोड़ देंगे छह चेन से। तो इसी तरह से हम जोड़ते हुए इसलिए इसको हम पूरी कंप्लीट जोड़ लेंगे ऊपर तक जितनी लंबी आपने लेस बनाई है। उसके बाद फिर इसके साइड में फिर हम दूसरी लेस रखेंगे, उसको इन दोनों को हम इसी तरह से जोड़ेंगे। तो इसी तरह से हम सभी लेस को हम जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से जुड़ करके आएगा, ये बीच में इस तरह से डिजाइन बनेगी जब हम लेस को जोड़ेंगे चेन के साथ से। स्टार्टिंग की तीन डिजाइन को तो हमें सिंपल सिंपल एक एक डिजाइन को जोड़ते आना चेन से। जो हमारी चौथी डिजाइन होगी उसको हम जो फर्स्ट वाली जो हमारी आएगी डिजाइन पैटर्न आएगा उसकी फर्स्ट वाली जो डिजाइन होगी उससे हम जोड़ेंगे। चौथी वाली को फर्स्ट वाली डिजाइन से जोड़ेंगे, उसके बाकी की दो को फिर हम चेन की सहायता से जोड़ेंगे। फिर इधर दूसरी साइड में भी जो हमारी चौथी वाली डिजाइन होगी उसको उसके ऊपर जो फर्स्ट वाली डिजाइन आएगी उससे हम जोड़ लेंगे। दो डिजाइन को हमें यहीं पे एक साथ जोड़ना है, बाकी को हमें सिंगल एक एक करके हमें जोड़ना है। तो देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा, बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन है फ्रेंड्स। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
पास में जो बेल आइकन है इसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से इसका लुक आएगा जोड़ने पर शाल का। ये पूरी शाल आपका इस तरह से तैयार होगी। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।